हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ सुनील भारद्वाज। आई एम द फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। टुडे आई विल डिस्कस विद यू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। आज का जो हमारा मुख्य कंसेप्ट है वो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इन माय लास्ट वीडियो वी हैव टू डिस्कस विद यू, हमने जो आपसे डिस्कस किया है वो क्या चीज़ की थी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था स्ट्रेन के बारे में। क्या पढ़ाया था बेटा? स्ट्रेन के बारे में। क्या होता था स्ट्रेन? स्ट्रेन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द चेंज इन लेंथ अपॉन माई ओरिजिनल लेंथ। तो इसका मतलब क्या हो गया? मैं ये कहना चाहता हूँ चेंज इन डायमेंशन अपॉन माई ओरिजिनल डायमेंशन। क्या था हमारे पास में? चेंज इन डायमेंशन अपॉन माई क्या था? ओरिजिनल डायमेंशन। दिस इज़ द स्ट्रेन। फिर मैंने उसको बाद में आपको कराए थे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। मैंने आपको कराया था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। फिर मैंने आपसे किया था उसके बाद में है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और उससे आगे किया था मैंने शियर स्ट्रेन के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। आगे किया था मैंने हुक्स लॉ। क्या कहता था? हुक्स लॉ कहता था स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्ट्रेन के। और आपने इसको इस तरीके से किया था, स्ट्रेस इक्वल टू एक कांस्टेंट के मान लिया था। और क्या हो गया हमारे पास में? स्ट्रेन की मैंने बात की थी, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू के। इसको क्या कहा था? विच इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी। उसके बाद में मैंने आपको यही बताया था कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास में क्या होती है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। तो ये हमारे पास में इसका डेफिनेशन आ जाती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। तो ये हमारे पास में इस तरीके से मैंने आपको हुक्स लॉ कराया था। हुक्स लॉ क्या था? रॉबर्ट हुक्स इसके साइंटिस्ट थे। रॉबर्ट हुक ने ये लॉ दिया था। बाद में इसको थॉमस यंग ने इसको मॉडुलेट किया था, ठीक है, मॉडिफाइड किया था हुक्स लॉ को। तब उन्होंने ये दिया था कि क्या कहा था? उन्होंने कहा था विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये हमारे पास में लॉ दे दिया था हमारे पास में रॉबर्ट हुक्स ने, ठीक है। अनमॉडिफाइड किसने किया था? इसको मॉडिफाइड किया था हमारे थॉमस यंग ने, ठीक है, यंग्स ने। तो ये इस तरीके से हमारी लास्ट वीडियो के ये हमारे पास में टॉपिक थे। तो अब जो मेरा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या रहता है। तो उसके ऊपर इफेक्टों को देखना है कि हमारे पास में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किस तरीके से दिखता है। तो देखिए, बड़ा ही सिंपल है। आपने इस तरीके से देखा कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है। तो आप यहाँ देखिएगा, इस तरीके से मैंने आपके सामने एक इस तरीके से ग्राफ लिया। दिस इज़ द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस और दिस इज़ द ओरिजिन। आपने यहाँ इसको कहा है हमारे पास में स्ट्रेन इज टेकन एट पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये है हमारे पास में स्ट्रेस, ठीक है। क्या है? स्ट्रेस इज टेकन एट वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास में एक पॉजिटिव हो गया, एक वाई एक्सिस हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास में ग्राफ आता है इस तरीके से। ये है हमारे पास में, ये इस तरीके से ये हमारे पास में एक ग्राफ होता है। ये यहाँ तक आपने देखा होगा, दिस इज़ द पॉइंट ओ ए, ये ए पॉइंट हो गया। ये स्ट्रेट लाइन है हमारे पास में। क्या चीज़ है? स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद में यहाँ पे आपने देखा इसको
इसको मैंने बी कह दिया, और ये जो लाइन है इस तरीके से इसको मैंने सी कह दिया, और ये पॉइंट को मैंने क्या कह दिया, डी कह दिया। ये हमारे पास में इस तरीके से ये ग्राफ दिखता है हमें। उसके बाद में अगर मैं आपको कहना चाहूँ तो देखिए, पॉइंट ए को मैं कहना चाह रहा हूँ, पॉइंट ए को कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या कह देंगे, पॉइंट ए, पॉइंट ए इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। और मैं ये कहना चाहता हूँ तो पॉइंट बी, पॉइंट बी को मैंने कह दिया है इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। और एक नेम और है इसका, यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट। मैं बात कह रहा हूँ आपसे सी को भी क्या कहा है, लोअर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट। इसको क्या कहा गया है हमारे पास में, लोअर यील्ड पॉइंट। और डी पॉइंट को क्या कहा गया है, इसको कहा गया है फ्रैक्चर, फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास में ये रहेगा कि जो हमारे पास में है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस तरीके से, और एक लाइन सी से इस तरीके से आती है, दिस इज द सी से, इसका है हमारे पास में ई, तो ये आ गया सी ई, ठीक है। और इस वाले पोर्शन को जो हमारे पास में है, ये ओ ई वाला है, इसको कहते हैं परमानेंट सेट। क्या कहते हैं, परमानेंट सेट, परमानेंट सेट, ठीक है, परमानेंट सेट। और ये जो रीजन है हमारे पास में सी के बाद में जो रीजन है, ये है हमारे पास में प्लास्टिक बिहेवियर, प्लास्टिक बिहेवियर। और ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं इलास्टिक बिहेवियर, इलास्टिक बिहेवियर। ये जो लाइन है, ये लाइन है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो ये सारी चीज़ मैंने इस ग्राफ के अंदर आपको डाल दी है। अब मैं इसका स्टेप वन मैं आपको कराने जा रहा हूँ, स्टेप वन, स्टेप वन। सबसे पहले आपको पूछी जा सकती है व्हाट इज़ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में क्या देखोगे बेटा, एक देखना है चेंज, देखना है स्ट्रेस और स्ट्रेन के अंदर विद द डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। आप किसी भी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड करके स्ट्रेस और स्ट्रेन के चेंज को देख सकते हैं कि क्या हमारे इसका चेंज आता है। तो द ग्राफ इज टेकन बिटवीन, या ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस, स्ट्रेन इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस द ग्राफ बिटवीन ड्रॉन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन विद द लोड अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड, ऑन अ बॉडी या ऑन अ वायर इज कॉल्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ द इनिशियल पार्ट ओ ए ऑफ द ग्राफ, दिख रहे हैं ना ये, द इनिशियल पार्ट ऑफ द इनिशियल पार्ट ओ ए ऑफ द ग्राफ विच शोज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इनिशियल पार्ट, इनिशियल, इनिशियल पार्ट ऑफ द ग्राफ ओ ए इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। इट मीन्स दैट, इट मीन्स दैट
हुक्स लॉ इज ओबेड इन दिस रीजन बिकॉज स्ट्रेस इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, स्ट्रेस लीनियरली प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रेन के। तो यहाँ तक किसी को कोई बात बताइए, अप टू द पॉइंट ए। ठीक है, अप टू द पॉइंट ए। तो मैंने आपको बताया बेटा, जो हमारे पास में इनिशियल पार्ट ऑफ द ग्राफ ओ ए इज शोज अ स्ट्रेट लाइन विच मीन्स दैट हुक्स लॉ इज ओवेड। हुक्स लॉ क्या कहता है, विद इन द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछिएगा। फिर मैं कहता हूँ द पॉइंट ए इज कॉल्ड द पॉइंट ए इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट इन दिस रीजन द वायर इज परफेक्टली इलास्टिक तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछिएगा कि पहले स्टेप में अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछिएगा। अब मैं बात करता हूँ आपसे सेकंड स्टेप को मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड स्टेप भी बड़ा ही सिंपल है, आप थोड़ा सा देखिए इसको। आई सी ये है स्ट्रेस। स्टेप टू बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। स्टेप टू मैंने ए की मैंने बात की है, आफ्टर द पॉइंट ए, यहाँ से मैं बात करता हूँ आफ्टर द पॉइंट ए। ए के बाद की अगर मैं बात करता हूँ तो आफ्टर द पॉइंट ए एक कर पोर्शन आता है। आफ्टर द पॉइंट ए स्ट्रेस नॉट लीनियरली प्रोपोर्शनल टू, सिंबल समझ में आ गया, इसको इस तरीके से कर दिया स्ट्रेन। इसका मतलब है स्ट्रेस इज नॉट लीनियरली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सो हुक्स लॉ इज नॉट ओबेड इन दिस रीजन। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया, स्ट्रेस इज नॉट लीनियरली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन मैंने अगर कह दिया है, एंड अ कर्व पोर्शन इज क्या चीज है हमारे पास में, ए बी इज अ कर्व पोर्शन। ठीक है, तो ये कर्व पोर्शन हो जाएगा। अब मैं ये कहना चाहता हूँ इफ द लोड इज रिमूव्ड बिटवीन द पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट है हमारे पास में, ओ एंड बी। ठीक है, ओ एंड बी की मैं बात करना, अगर ओरिजिन से देखे इफ द लोड इज रिमूव्ड बिटवीन द पॉइंट ओ एंड बी एंड अ पाथ इज रिट्रेस कौन सा पाथ है, बी ए ओ, ये हमारा पास ऐसे चलेगा बी ए ओ। तो ये क्या चीज़ है हमारे पास में, बी ए ओ। तो मैं कहता हूँ इफ द लोड इज रिमूव बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इट मीन्स द वायर रिगेन्स इट्स ओरिजिनल लेंथ। क्या रहेगा, द वायर रिगेन्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, द पोर्शन ऑफ द ग्राफ ओ बी इज कॉल्ड द पोर्शन of the graph OB is known as
नोन एज इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन, ये जो ओबी वाला रीजन है इसको क्या कहेंगे हम? इलास्टिक रीजन कहेंगे। एंड द पॉइंट बी इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, और इसको बोलते हैं यील्ड पॉइंट। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास में किस तरीके से ये आ जाता है, ठीक है। बी को क्या कहते हैं? इलास्टिक लिमिट, और जो रीजन रहेगा ओ बी वाला रीजन को कहेंगे इलास्टिक बिहेवियर, और ये कर पात करेगा बी ए ओ, इट मीन्स आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स द वायर अगेंस्ट इट्स ओरिजिनल लेंथ। और यहाँ पे आप इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि क्या होती है इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन, द मैक्सिमम स्ट्रेस विद इन विच द बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप साइज एंड पोजिशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, दिस टाइप ऑफ बॉडी या दिस टाइप ऑफ लिमिट इज नोन एज इलास्टिक लिमिट, ठीक है। क्या बोलेंगे? इलास्टिक लिमिट बोलेंगे, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा था आपसे पॉइंट सी के बाद की, मैं बात कर आफ्टर द पॉइंट बी, दिस इज द थर्ड स्टेप। माई थर्ड स्टेप क्या कह दिया है? थर्ड स्टेप के अंदर आप देखिएगा, बड़ा ही थर्ड स्टेप जो है स्टेप थर्ड, क्या कहता है स्टेप थर्ड? स्टेप थर्ड कहता है आफ्टर द पॉइंट बी या बियॉन्ड द पॉइंट बी। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ बियॉन्ड द पॉइंट बी, हमारे पास में इसके बाद में क्या आता है कि मैं सी और इसके बीच की मैं डिस्टेंस देता हूँ, आफ्टर द पॉइंट बी की मैं बात करता हूँ, ठीक है। बी, अब आप देखिए बी पे आप चेंज कीजिए, इस तरीके से जा रहा है, इसका मतलब स्ट्रेस क्या हो रहा है? डिक्रीज हुआ है, लेकिन स्ट्रेन क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। इसका मतलब है बॉडी की वायर की लेंथ में क्या हुआ? चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये कहता है स्ट्रेन जो हमारे पास में है, स्ट्रेन इज इंक्रीजिंग मोर रैपिडली देन द स्ट्रेस। आपने देख लिया होगा, स्ट्रेन इज मोर रैपिडली देन द स्ट्रेस आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, द वायर डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। बट ट्रेसिड अ डैश्ड लाइन, क्या चीज है? सी ई। आपने एक लाइन को क्या किया? सी ई। इसका मतलब क्या है? जब आपने इसको देखा, इसका मतलब हो गया द स्ट्रेस इज रिड्यूस टू इक्वल टू जीरो। तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा हमारे पास में? रिड्यूस टू इक्वल टू जीरो। एंड द रेजुअल स्ट्रेन, अगर मैं किसकी में बात करूँ, द रेजुअल स्ट्रेन ओ ई इन द लेफ्ट ऑफ द वायर, ठीक है, क्या रहेगा? ओ ई ऑन द लेफ्ट ऑफ द वायर, देन द पोर्शन ओ ई इज कॉल्ड परमानेंट सेट। द क्या कहेंगे हम? द पोर्शन ओ ई इज कॉल्ड परमानेंट सेट, ठीक है। क्या कहेंगे? ओ ई इज कॉल्ड परमानेंट सेट। इन द फैक्ट इज दैट
स्ट्रेस स्ट्रेन, क्या कह रहा हूँ मैं, स्ट्रेस स्ट्रेन इज नॉट रिवर्सिंग ऑन रिवर्स इज नॉट रिवर्स ऑन रिवर्सिंग द स्ट्रेस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, कहते हैं हम इलास्टिक हिस्टेरेसिस, क्या कहते हैं इसको, इलास्टिक हिस्टेरेसिस। और मैं ये कहना चाहता हूँ व्हाट इज द पॉइंट सी, एंड द पॉइंट सी इज कॉल्ड लोअर यील्ड पॉइंट। लोअर यील्ड पॉइंट का मतलब है बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट द लेंथ ऑफ द वायर गोज ऑन इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग द स्ट्रेस, ठीक है, विद इंक्रीजिंग द स्ट्रेस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, लोअर यील्ड पॉइंट कहते हैं, क्या कहते हैं, लोअर यील्ड पॉइंट। अब मैं बात करता हूँ आपसे स्टेप फोर की, दिस इज द स्टेप फोर। स्टेप फोर इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये सारा ग्राफ आपने बड़े अच्छी तरीके से समझा है। स्टेप फोर को देखिए, स्टेप फोर क्या कहना चाहता है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टेप फोर पर आफ्टर द पॉइंट सी, अगर मैं बात करता हूँ सी पॉइंट के बाद में, देखो दिस इज़ द चेंज, प्लास्टिक बिहेवियर आ जाएगा यहाँ पर। आफ्टर द पॉइंट सी देर, आफ्टर द पॉइंट सी द लोड इज इंक्रीज ऑन द वायर, ठीक है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ इफ द लोड इज इंक्रीज ऑन द वायर, अगर जैसे ही हमारे पास में क्या होगा, लोड इंक्रीज रहेगा, तो देर इज लार्ज इंक्रीज इन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन के अंदर क्या रहेगा, क्या रहेगा, ज़्यादा चेंज आ जाएगा। क्यों, आप देखिए, आफ्टर आफ्टर पॉइंट पॉइंट सी, तो कहना चाहता हूँ इफ द लोड, दिखाई दे रहा है ना, इफ द लोड, इससे लिख देते हैं, लोड इज इंक्रीज ऑन द वायर वायर देयर इज लार्ज लार्ज लार्जर इंक्रीज स्ट्रेन, इट मीन्स दैट, इट मीन्स दैट, इसका मतलब स्ट्रेन में क्या हुआ, लार्ज इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब है द लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेज, लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज, तो लेंथ ऑफ वायर क्या हो रही है हमारे पास में, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। एट देन द वायर इज अल्टीमेटली ब्रेक, अल्टीमेटली ब्रेक एट द पॉइंट डी इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको बेटा, फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट। अल्टीमेटली द वायर इज ब्रेक एट द पॉइंट डी इज कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट, तो फ्रैक्चर पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सीधा सीधा है, इफ वी अप्लाइड अ लोड ऑन द लेंथ ऑफ ऑन द वन एंड ऑफ द वायर इन दिस रीजन द लेंथ ऑफ वायर गोज ऑन इंक्रीजिंग, इट मीन्स स्ट्रेन इज इंक्रीज, ठीक है, एट द पॉइंट डी द वायर इज अल्टीमेटली ब्रेक, देन दिस पॉइंट इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं। किसकी मैं बात कर रहा हूँ इसके बाद में, फ्रैक्चर पॉइंट के। एक और नई चीज़ मैं आपको बताने वा रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ द रीजन बिटवीन बी एंड डी, देखिए बी को मैं एक रेड लाइन से इस तरीके से मैं इसको ये कहना चाह रहा हूँ, बी है ना ये पॉइंट बी, इसको मैंने यहाँ कर दिया, और इस तरीके से ये हमारे पास में एक रेड लाइन है, ये रही, ठीक है, ये दिखाया बी और डी, जो ये वाला जो रीजन है ओ ई इज द परमानेंट सेट, और ये ओ ए बी इज कॉल्ड हमारे पास में इलास्टिक बिहेवियर है। आफ्टर द पॉइंट बी एंड डी, बी एंड डी के बाद में जो भी रीजन है, आफ्टर
द पॉइंट या द रीजन बिटवीन बी एंड डी द लेंथ ऑफ वायर गोज ऑन इंक्रीजिंग विदाउट द एडिशन ऑफ एनी लोड, ठीक है, हमारे पास में कोई भी लोड ऐड नहीं करेंगे, देन दिस रीजन इज कॉल्ड इलास्टिक बिहेवियर, इसको क्या लेंगे, दिस इज द प्लास्टिक बिहेवियर, ठीक है। द रीजन बिटवीन बी एंड डी द लेंथ ऑफ वायर गोज ऑन इंक्रीजिंग विदाउट एनी एडिशन ऑफ लोड, द रीजन दिस रीजन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, प्लास्टिक बिहेवियर कहेंगे, एंड मटेरियल इज सेड अंडर गो द प्लास्टिक फ्लो, और क्या कहेंगे, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहेंगे, क्या कहेंगे, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको ये सारा ग्राफ पढ़ाया कि वॉट इज़ द चेंज ऑफ दिस ग्राफ, क्या क्या चेंज आया, कि प्रोपोर्शनल लिमिट में क्या चेंज आया, इलास्टिक लिमिट और लील बन में क्या हुआ, ये कर्व पोर्शन ओ बी क्या दिखाता था हमारे पास में, ओ बी ए, इसका मतलब ओ बी ए जो ये कर्व बना था हमारे पास में, इस तरीके से इसने क्या किया था, रिट्रेस किया था अपने पाथ को बी ए ओ, देन दिस रीजन इज कॉल्ड इलास्टिक बिहेवियर, क्या कहते हैं, इलास्टिक बिहेवियर, इन दिस रीजन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स द लेंथ ऑफ वायर रिगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो इस केस में आपकी जो लेंथ ऑफ वायर थी वो अपनी ओरिजिनल को क्या कर लेती है, गेन कर लेती है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आपने इस तरीके से पढ़ ली है कि परमानेंट सेट क्या है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, जहाँ भी स्ट्रेट लाइन आएगा इसका मतलब हुक्स लॉ इज वैलिड रहेगा, इसका मतलब हुक्स लॉ इज वैलिड मीन्स स्ट्रेस इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन की मैं बात करता हूँ। तो इस तरीके से आपने इसमें देखा, तो अब देखिए कुछ एक इस वीडियो का पार्ट है, इसमें एक वीडियो और आपको दिखाई जाएगी कि किस तरीके से ये चेंज होता है, ठीक है, और इसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये हमारे पास में एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को आप देखिए, ये कहता है अ वर्टिकल मेटल सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, एक सिलेंडर है हमारे पास में, उसकी जो रेडियस है वो कितनी है हमारे पास में, 2 सेंटीमीटर रेडियस, आर हमारे पास में 2 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज 2 मीटर, इज फिक्स एट द लोअर एंड, तो लोअर एंड पर उसको क्या कर दिया, फिक्स, अ लोड ऑफ द 100 kg पुट ऑन द अदर एंड, और उसके दूसरे सिरे पर आपको क्या कर दिया, 100 kg आपको लोड क्या कर दिया, अप्लाइड कर दिया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, आपको स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेन निकालना है, एंड कंप्रेशन ऑफ द लेंथ निकालनी है। आपके पास में जो गिवन है वो हमारे पास में कोफिशिएंट ऑफ मॉडुलस, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कह लीजिए, मॉडुलस कह लीजिए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो सबसे पहले जब मैं आप सॉल्यूशन की मैं बात करता हूँ, सॉल्यूशन के अंदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आपको पूछा है स्ट्रेस, क्या है हमारे पास में स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या रहता है हमारे पास में, फोर्स ओवर में एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, एरिया, तो फोर्स हमारे पास में एफ हो गया और एरिया हमारे पास में ए हो गया, दिस इज़ द फर्स्ट, बट इन केस ऑफ फोर्स क्या रहता है हमारे पास में, फोर्स की डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, हमें पता है कि हमें गिवन है कि वेट है और दूसरे एंड पर लटका हुआ है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एम जी, इसको वेट भी कहते हैं, डब्ल्यू इज कॉल्ड वेट, वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये हमारे पास में है, तो सबसे पहले फोर्स की मैं बात करता हूँ, फोर्स कितना है 100, ये हमारे पास गिवन है, गिवन क्या क्या चीज़ है आप यहाँ देख लीजिए, गिवन है हमारे पास में, गिवन के केस में क्या चीज़ है, एम गिवन है, क्या है 100 kg, ओके, आपके पास में रेडियस गिवन है, रेडियस इसका मतलब आर गिवन है, आर क्या है 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब है 2 × 10⁻²⁻ केस में, और लेंथ गिवन है आपके पास में एल, एल हमारे पास में हो जाएगी लेंथ ऑफ द सिलेंडर, इसको मैं कह देता हूँ ओरिजिनल लेंथ है ये एल, और ये है हमारे पास में 2 मीटर, ये हमारे पास में गिवन है, और वाई इज इक्वल टू 2 × 10⁻¹ⁱ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास में सब कुछ गिवन है। तो अगर मैं बात करता हूँ इसकी एम ए एम, अगर मैं ये कह देता हूँ कि हमारे पास में जी क्या रहती है, जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज़ द एक्सेलरेशन,
तो ये हमने कह दिया 9.8, दिस इज वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, इतने हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा न्यूटन। कितने आ गए, ये हमारे पास में केस आ जाएगा इसका न्यूटन। और अगर मैं ये कहना चाहता हूँ एरिया, एरिया ऑफ सिलेंडर हमारे पास में क्या चीज़ है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 इंटू आर हमारे पास में 2 × 10⁻²⁻² मीटर का स्क्वायर, ये आ गया 3.14 इंटू में 4 × 10⁻⁴। तो ये हमारे पास में मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो स्ट्रेस जो रहेगा हमारे पास में, स्ट्रेस रहेगा एफ अपॉन में ए। एफ की वैल्यू है हमारे पास में दिस 980 अपॉन में 3.14 इंटू में 4 × 10⁻⁴। ये जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 7.8 इंटू में 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। तो ये हमारे पास में किसकी वैल्यू हो गई, स्ट्रेस की वैल्यू होगी। यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो तो आप देख लीजिए, एफ और ए आपको कैलकुलेट आना चाहिए और फॉर्मूले में डायरेक्ट इसको पुट करिए। सेकंड केस हम देखते हैं, ये स्ट्रेस की वैल्यू आ गई है। मैंने सबसे पहले ए पार्ट कैलकुलेट कर लिया है, ए पार्ट हमारे पास में स्ट्रेस क्या है, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू है 7.8 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब बी वाला पार्ट मैं आपके साथ में कर रहा हूँ। बी क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है हमारे पास में स्ट्रेन क्या है। स्ट्रेन, स्ट्रेन की अगर मैं बात करता हूँ, स्ट्रेन पूछ रहा है, तो मैं यंग मॉडुलस वाई बराबर क्या रहता है हमारे पास में, रहता है स्ट्रेस ओवर में स्ट्रेन। स्ट्रेस ओवर में स्ट्रेन हमारे पास में इसकी वैल्यू रहती है। अब मेरे पास में स्ट्रेस भी है, स्ट्रेन मुझे निकालना है और वाई की वैल्यू है, तो स्ट्रेन मैं निकाल देता हूँ। स्ट्रेन हमारे पास में हो जाएगा वाई इंटू में स्ट्रेस। स्ट्रेस तो स्ट्रेन हमारे पास में हो गया, दिस इज़ द वैल्यू 2 × 10⁻¹⁰ इंटू में, इसकी इस वैल्यू क्या है हमारे पास में, इसकी वैल्यू गिवन है क्या, सॉरी ये है स्ट्रेन। जब निकालोगे फॉर्मूला गलत लग गया, स्ट्रेन बराबर आ जाएगा स्ट्रेस ओवर में वाई। तो स्ट्रेस की वैल्यू हमारे पास में आएगी है 7.80 × 10⁵ अपॉन में इसकी वैल्यू क्या है 2 × 10⁻¹⁰। इसको सॉल्व किया है तो ये आ जाएगा 3.9 × 10⁻⁶। ठीक है, स्ट्रेन देर इज़ नो डायमेंशन, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास में क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, सो देर इज नो यूनिट। अब है हमारे पास में थर्ड केस, इसकी वैल्यू आ गई है स्ट्रेन की 3.9 × 10⁻¹⁶। ठीक है, तो बी वाला पार्ट भी हमारा हो गया और बी की वैल्यू को मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है 9 × 10⁻¹⁶। ठीक है, थर्ड केस की मैं बात करता हूँ, केस नंबर थर्ड आपके साथ में है। ये पूछ रहा है कंप्रेशन ऑफ सिलेंडर, ठीक है, कंप्रेशन ऑफ सिलेंडर की मैं बात करता हूँ। तो आपको पता है स्ट्रेन हमारे पास में स्ट्रेन है। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ ओवर में ओरिजिनल लेंथ, लेंथ। इसका मतलब ये क्या चीज़ है, कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन। याद रखना, जब आप इसको निकालोगे कंप्रेशन, कंप्रेशन इन सिलेंडर, तो हमारे पास में स्ट्रेन आएगा इनटू में ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ।
तो ये बड़ा ही सिंपल है। स्ट्रेन हमारे पास में अभी इसकी वैल्यू आई है 3.9 × 10⁻⁶ इंटू में ओरिजिनल लेंथ आपको पता ही है L 2 मीटर है, तो ये आ जाएगा 8.7। ठीक है, तो ये 7.8 × 10⁻⁶। ठीक है, क्या पूछ रहा है हमारे पास में, कंप्रेशन लेंथ की पूछ रहा है, तो इतने मीटर हमारे पास में इसमें चेंज आ जाएगा। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम, इस तरीके की आपकी ये प्रॉब्लम आएंगी और ये सारी चीज़ इस तरीके से आपको करना है, याद रख लेना। और ये प्रॉब्लम आपको पता ही है कि कंप्रेशन वाले किस तरीके से उस दिन बनाई थी, उस दिन आपने देखा था, एक सिंपल फॉर्मेट है। ये हमारे पास में कोई भी लेंथ थी, उसने कहा है कि ये जो हमारे पास लेंथ है ये क्या चीज़ है, 2 मीटर है, और हमने क्या किया इस पे एक बाहर से एक फोर्स लगाया, एफ एक फोर्स लगा था, तो बॉडी के अंदर क्या हुआ था, एक चेंज हुआ था, ये कंप्रेस हो गई थी बॉडी, तो ये जो कंप्रेस हुई थी वो इधर आ गया। ठीक है, तो ये वाली लेंथ उसने पूछी है, व्हाट इज़ दिस लेंथ, तो दिस लेंथ इज़ द ये हमारे पास में आ गया, क्योंकि बॉडी कंप्रेस होके ओरिजिनल से ये घट के आई, तो ये हमारे पास में इसका क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा इस लेंथ के केस में। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आएंगे। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको प्रेशर के बारे में पढ़ाऊंगा, और कितने टाइप्स के जो प्रेशर हैं, व्हाट टाइप्स ऑफ प्रेशर, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कराऊंगा। ओके, थैंक यू, बाय।